साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अभी तक विदेशी धरती पर नहीं गए हों, लेकिन आने वाले महीने में पीएम मोदी की कई महत्वपूर्ण मंचों और ताकतवर देशों की यात्रा संभव है। G7 का सम्मेलन जापान के टोक्यो में 19 से 21 मई के बीच होना है। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन जापान की तरफ से भारत और ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने की तैयारी की जा रही है। सम्मेलन में यूक्रेन समेत दूसरे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। G7 एक ऐसा मंच है जिसमें सभी सदस्य देश यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ हैं। G7 सम्मेलन के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया में क्वाड सम्मेलन का आयोजन संभव है और पीएम नरेंद्र मोदी मई के तीसरे हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर सकते हैं। दरअसल क्वाड सम्मेलन मई में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है और पीएम मोदी के 4 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के पूरे आसार हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे क्वाड सम्मेलन की तिथियों की अभी तक घोषणा बाकी है। क्वाड के 4 देशों में अगर भारत को छोड़ दें तो बाकी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का रुख यूक्रेन और रूस के मसले पर भारत से बिल्कुल अलग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगस्त महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मौजूदगी के भी पूरे आसार हैं। हालांकि अभी तक तारीख का ऐलान दक्षिण अफ्रीका की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन गौरतलब है कि ब्रिक्स के 5 सदस्य देशों में रूस को छोड़ दे तो ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का रुख यूक्रेन के मसले पर पश्चिमी देशों की तरह रूस के खिलाफ नहीं रहा है। G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी G7 की बैठक, क्वाड सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लगभग तय मानी जा रही है। भले ही आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, ये सभी मंच बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतवर हैं। इन महत्वपूर्ण मंचों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा भी जून और जुलाई महीने में कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका दौरे के लिए आमंत्रित किया है और दोनों देशों के अधिकारी पीएम मोदी के दौरे की तारीख को अंतिम रूप देने में लगे हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान तमाम पहलुओं पर भारत का पक्ष रखेंगे। यूक्रेन युद्ध का 2रा साल है, चीन से जुड़े मुद्दों पर भी बात होगी। इन महत्वपूर्ण मंचों पर और अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नजरिए को एक बार फिर मजबूत तरीके से तमाम मंचों पर रखेंगे। भारत में G20 का आयोजन सितंबर महीने में होना है और सितंबर महीने में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र भी अमेरिका में आयोजित होगा। सत्र में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है। ऐसे में भारत की नुमाइंदगी कौन करेगा, ये बाद में तय होगा। लेकिन एक बात साफ है कि ब्रिक्स हो या फिर क्वाड या फिर G7, भारत की तरफ से पीएम मोदी की उपस्थिति होनी लगभग तय है, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता के अलावा SCO की भी अध्यक्षता कर रहा है और दोनों संगठनों के सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। इसलिए भारत की तरफ से प्रधानमंत्री की मौजूदगी के आसार ही महत्वपूर्ण मंचों पर होने की पूरी उम्मीद है। नीरज कुमार, News18 India, दिल्ली। साल 2023 में प्रधानमंत्री ने अब तक कोई भी विदेशी दौरा नहीं किया है, लेकिन आने वाले महीने में जो भी दौरे होंगे वो भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि भारत G20 और SCO सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहा है। इसलिए तमाम मुद्दों पर भारत अपना नजरिया इन मंचों के जरिए रखेगा। नीरज कुमार, News18 India, दिल्ली।